एवरीवन वेलकम टू माय घर का खाना। आज मैं आपके साथ हॉट एंड स्पाइसी वेज मंचाओ सूप की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और साथ ही में बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होता है, क्योंकि इसमें हम बहुत सी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। सर्दियां शुरू हो गई है और सर्दियों में कुछ ना कुछ गर्म गरम पीने का मन करता ही रहता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया है पत्ता गोभी, हरी प्याज, गाजर चॉप किया हुआ प्याज, काली मिर्च पाउडर, लहसुन बारीक कटा हुआ, अदरक ग्रेट की हुई, हाफ शिमला मिर्च, दो हरी मिर्च, हरा धनिया, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमने यहाँ वाइट सिरका लिया है, सोया सॉस, रेड चिली सॉस। तो इन सब्जियों का हम सूप बना लेंगे यहाँ पर। आप अपनी पसंद की सब्जियाँ ले सकते हैं, जैसे कि आप स्वीट कॉर्न ले ले, बेबी कॉर्न ले ले, ब्रोकली ले ले, मशरूम ले ले, जो भी आपको पसंद है आप ले ले। और यहाँ पर मैंने नूडल्स लिए हैं, इनको मैंने बॉईल करके लिया है। यहाँ पर मैंने सिंपल हक्का नूडल्स लिए हैं। मैंने नूडल्स को कॉर्नफ्लावर लगा कर रखा था, जिससे कि हमारे नूडल्स, हम इनको फ्राई करेंगे तब ये क्रिस्पी हो जाएंगे। इसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को 1/2 कप पानी में यहाँ पर घोल के रखा है। 1/2 टीस्पून नमक लेंगे, जिसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करके तेल गर्म होने रख देंगे। अब हम तेल में नूडल्स फ्राई करेंगे। इसको हम उलट पलट कर फ्राई करेंगे। क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारे नूडल्स कितने क्रिस्पी हो गए हैं और लाइट गोल्डन भी हो गए हैं, आप देख सकते हो। अब हमने 2 टेबलस्पून के करीब तेल को गर्म करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा, हमें इसमें लहसुन, अदरक ग्रेट की हुई, हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। इसमें सब वेजेस डाल देंगे। और सब्जियों को हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। हमने यहाँ हाई फ्लेम पे सभी वेजीज को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे और साथ ही में हम काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस। दही में हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे। आप इसमें ग्रीन चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसमें हाई फ्लेम पे एक उबाल आने देंगे। तो हमारी यहाँ एक उबाल आ चुकी है। अब हम
इसमें एक टेबल स्पून के करीब सिरका भी डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी भी ऐड करेंगे। और इसको हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है, इसका कच्चापन दूर नहीं होता है। तो हमारा सूप गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें हरी प्याज डाल के इसको मिक्स करेंगे। और गैस की फ्लेम बंद करके हम इसको सर्व करेंगे। हमने इस सूप को बाउल में सर्व किया। अब हम इसमें जो नूडल्स फ्राई किए थे वो डालेंगे और ऊपर से डाल देंगे हरी प्याज। और ये लीजिए, हमारा डिलीशियस और हेल्दी वेज मंचाओ सूप बनकर तैयार है। तो ज़रूर इस न्यूट्रिशियस और डिलीशियस सूप को ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी रेसिपी के सब में पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।